वडोदरा शहर में शहरवासियों के लिए जी का जंजाल बन चुकी वैसी भटकती गाय की समस्या के बीच शहर के माणेजा पंचरत्न सोसाइटी के पास आज दिन दहाड़े 3 से 4 जितनी गाय ने एक वृद्धा को अपनी चपेट में लेते हुए वृद्धा का शिकार बनाने के साथ मानो एक के बाद एक वैसे वृद्ध महिला पर हमला बोलते हुए उसे काट लेने के बीच गंभीर रूप से घायल करने के बाद आखिरकार वृद्धा को मौत के हवाले किया गया। वडोदरा शहर में भटकती गाय की परेशानी मानो एक विकट समस्या बन चुकी है, जिसे कायमी रूप से दूर करने के लिए कॉरपोरेशन भी हर बार सरासर निष्फल साबित हुआ है। जहां शहर के माणेजा विस्तार में आज एक भटकती गाय के झुंड ने मानो एक वृद्ध महिला पर हमला बोलते हुए वृद्धा को घटना स्थल पर ही मौत के घाट उतारा गया। जो ये घटना के वीडियो सामने आने के बीच वृद्ध महिला रास्ते पर से गुजरने के दौरान 3 से 4 जितनी गाय ने अपने पैर से मानो वृद्ध महिला का कुर्चा ही बना दिया हो वैसे मुंह पर भी काट लेने के बीच गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी। तो वही स्थानिक लोगों द्वारा ये घटना को देखने के बावजूद पत्थर मारकर गाय को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन सर पर जुनून सवार वैसी तमाम गाय ने वृद्ध महिला का आखिरकार गंभीर रूप से घायल कर उसे मौत के घाट उतारा गया। जिसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि गंगाबेन परमार नामक वृद्ध महिला आज दोपहर अपने घर की ओर जा रही थी। ऐसे में अचानक से दौड़ी चली आई वैसी गाय ने वृद्ध महिला को टक्कर लगाने के साथ उसे पहले नीचे गिराया और बाद वृद्ध महिला नीचे गिर चुकी। ऐसे में एक के बाद एक वैसे आग दौड़ी गाय ने वृद्ध महिला को अपने पैर से मानो कुर्चा ही बनाने के आशय से गंभीर रूप से घायल कर हमला किया गया। तो वहीं कई गाय ने वृद्ध महिला के सर पर तथा पैर पर और मुंह पर भी काट लेते हुए वृद्ध महिला को गंभीर रूप से घायल किया गया। वृद्ध महिला ने बचाओ बचाओ के शोर मचाने के बीच स्थानिक लोग दौड़े चले आए। तो वहीं स्थानिक लोगों ने भी वृद्ध महिला को गाय से बचाव करने के लिए गाय को पत्थर मारकर दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन सर पर जुनून सवार वैसे गाय ने वृद्ध महिला पर अपना हमला बोलते हुए गंभीर रूप से घायल वैसे वृद्ध महिला को इलाज मिले उससे पहले ही मौके पर ही मौत हो चुकी। जो घटना को आंखों देखी देखने वाले वैसे लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया है। फिलहाल ये वीडियो वायरल होते हुए वडोदरा शहर में फैली वैसी गाय की समस्या लोगों के लिए अब दिन हो या रात एक जानलेवा साबित हो रही है, वो ये वीडियो से काफी फलित हो रहा है, जिसे जलमूल से दूर करने की अब काफी जरूरत आन पड़ी है। हाँ जी, एवी घटना घटी है कि अहीं थी आ बा क्रॉसिंग बाजू थी आवता था मारी सोसाइटी ना छे, सोसाइटी नो प्रमुख छु, प्लस के अहीं आगळ आवता एमने एक गाय कारी कलर नी गाय छे ये अहीं आगळ ज उभेली छे, काळा कलर नी गाय एमने मारती थी એના સોસાયટીના હું આયા પછી બધા લોકો એવું કહેવા માંગ્યું કે એ ગાય મારતી હતી, અમારી બી તાકાત નથી એમને છોડાવવા જવાની, ગાયને પથ્થરો મારીને બી એ કર્યું, તોય છતાં ગાયે એમને દેહાંત લાવી દીધેલું છે, એટલું માર માર્યો, પગ બી તોડી નાખેલો છે ને એમનું સ્થળ ઉપર જ મૃત્યુ થઈ ગયેલું છે। તો એના માટે ગાયો જે રાખે છે એમના પર કાર્યવાહી થવી જોઈએ। આ કયો વિસ્તાર છે? માણેજા સીબન આપણે પંચરત્ન સોસાયટી। આજે ત્યાંથી અમારા હાઉસિંગમાં જવાનો શોર્ટ રસ્તો છે, એ શોર્ટ રસ્તા ઉપર ગાયોનો ઢેરો છે। અચ્છા, આ જે મૃત્યુ પામ્યા છે એ બાનું નામ શું છે? ગંગાબેન। ગંગાબેન ક્યાં રહે છે? ગંગાબેન સીતુભાઈ પરમાર ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડમાં રહેતા છે, અને મને કોલ ત્યાંથી અહીંથી કોઈક ભાઈઓનો કોલ આવ્યો કે આવી રીતના તમારા હાઉસિંગના એક બાનું મૃત્યુ થયેલું છે, ગાયે મારીને મૃત્યુ થયું છે, તો એટલે હું ત્યાંથી તરત ભાગીને આવ્યો છું અહીંયા। આશરે ઉંમર કેટલી હશે? આશરે ઉંમર એમની 60-65 વર્ષની ઉપર। શું બનાવ બન્યો છે આજે? શું બનાવ બન્યો છે? હજરત એ ભાઈએ કીધું કે તો ગાયને ગાયે બેટી મારી છે અને બેભાન કરી દીધા છે, પણ માથે વાગ્યું છે, પગ ભાગ્યું, અને પગ તોડી નાખ્યો છે, બેભાન થઈ ગયા છે કે મારી જ ગયા છે? મૃત્યુ પામ્યા છે? મને પહેલા ફોન આવ્યો હતો 2-5 છે, પણ હું નજીક આ ઘરે હમણે આવીને જોયું તો 2 ભાઈ મરી ગયા છે અને એમનો પગે તૂટી ગયો છે। આ મૃત્યુ પામનાર કોણ છે? મારા મમ્મી છે જી। આગળ તમારી શું રજૂઆત છે? અને એને કાયદે કાનૂની થવી જોઈએ જી। આપનું નામ? ભગવભાઈ ચિંતુભાઈ પરમાર।